आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम आने वाले समय में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण देंगे, वो रिजर्वेशन निकालने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। और हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं। लोकसभा के लिए तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी तेज हो गया है। लालू यादव के मुस्लिमों को आरक्षण देने के समर्थन में बयान के बाद से ये मामला काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती से चुनाव लड़ रही सांसद नवनीत राणा ने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आज अगर लालू प्रसाद जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम आने वाले समय में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण देंगे, वो रिजर्वेशन निकालने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। और हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो संविधान को बचाने के लिए इस देश में है, और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं। क्योंकि एससी एसटी का सम्मान करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी को बताने की जरूरत नहीं, देश की प्रेसिडेंट आज जो राष्ट्रपति बनाई है वो ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करने वाली, ट्राइबल आदिवासी परिवार से बिलोंग करने वाली हमारी प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है उन्होंने सम्मान बढ़ाया है एससी और एसटी का, और इस देश के सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और संविधान खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव जैसे लोग इस देश में संविधान और एससी एसटी का आरक्षण खत्म करने की बातें कर रहे हैं। चुनाव में आरक्षण को लेकर भी बवाल मचा हुआ है, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब लालू यादव के मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग पर भी बवाल मचा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने आखिर क्या कहा है। आप लोग आरक्षण दे रहे हैं ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन का मिलना चाहिए मुसलमानों को। आपको बता दें कि मुस्लिम आरक्षण का मामला भले ही आरजेडी ने उठाया हो, लेकिन कांग्रेस ने तो कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।